बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ईद नमाज पाकिस्तान में आजो, हेलो आजो। तो मस्जिद पहुंच चुके हैं जी, पढ़ते हैं फिर आपको दिखाता हूँ जी। तो ईद नमाज पढ़ के हम निकल चुके हैं। ये सवारी देख लेंगे, खोती गाड़ी पाकिस्तान की मशहूर मरूफ है, हम सब ने कभी ना कभी तो झूठा लिया होगा इसका। बहरहाल जी, पाकिस्तान में ईद नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद क्या बोलते हैं जी, कि जफ़िए मफ़िए डालकर मिलो, और आधा आधा घंटा बंदा जफ़िए डालता रहता है। वो सऊदी वाला निज़ाम नहीं, दो तीन दोस्तों को मिल लिया और बस चलो जी। तो अभी चलते हैं कुर्बानी की तरफ, तो फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, आ जाओ। अच्छा जी, तू कितने लाने होंगे? जी तो फाइनली कुर्बानी हो चुकी है जी। आप मेरी ड्रेसिंग से हिसाब लगा सकते हैं, और ये बकरों की जगह काली हो चुकी है। मुझे यकीन कीजिए, पहले भी कुर्बानी होती रही है घर में, पिछले साल भी की, और हज जिस साल मैंने किया उस साल मैंने दो कुर्बानियों के पैसे जमा करवाए थे। चलो वो तो कुर्बानियाँ देखी नहीं, बकरे देखे नहीं होते हैं बंदे ने, टाइम ही मिलता है। लेकिन पहले घर में कुर्बानी होती रही, पिछले साल कुर्बानी अपने यहाँ ही घर पर अपने हाथ से ही ऐसे ही करवाई। इस साल माशाल्लाह दो बकरे लिए हुए थे ये मैंने, इनकी वीडियो में आपको पहले दिखा चुका था कितने में मिले हैं। तो यकीन कीजिए, इस साल ये ज़िबा हुए हैं ना, तो मेरे दिल को कुछ हो रहा था। अभी भी मैं उनकी वीडियो जो आपने वीडियो के फर्स्ट में देखी वो देख रहा था, और अभी भी मुझे ना यकीन कीजिए बहुत याद आ रहे थे। तो बहरहाल कुर्बानी भाई, शायद अल्लाह ताला की ज़ात ने इसी चीज़ का नाम रखा है। तो बहरहाल फाइनली ईद का दिन, अभी तकरीबन दो ढाई का टाइम हो चुका है। अभी कुर्बानी की और खाया पिया, और उसके बाद अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को इंशाल्लाह नहाएंगे धोएंगे। ईद, कुर्बानी की ईद आपको पता है ऐसे ही गुजरती है फिर।